अभी अभी मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो भी स्टूडेंट इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं वे अपने रिजल्ट को लेकर के इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी बड़ी खबर है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस टाइम पर आपका मैट्रिक का रिजल्ट आएगा, और साथ ही इससे संबंधित जो काफ़ी बड़ी खबर है उन खबर को आप जानेंगे। उससे पहले आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप मैट्रिक का रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट जैसे ही जारी होगा कैसे आप मैट्रिक का रिजल्ट चेक कर पाएंगे, और साथ ही मैट्रिक रिजल्ट से संबंधित तारीख को भी आप जानेंगे। मैट्रिक का रिजल्ट चेक करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा fastjobsearchers.com। करने के पश्चात स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आए, आने के पश्चात यहां पर आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड BSEB मैट्रिक 10th एनुअल एग्जाम रिजल्ट 2020 कमिंग सून लिखा हुआ है। इनको टच करेंगे, पेज इस प्रकार से ओपन होगा, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 15 के बाद आएगा मैट्रिक का रिजल्ट, और 3 लिंक यहाँ पर एक्टिवेट है। चलिए न्यूज़ को हम दिखाते हैं जो जनसत्ता न्यूज़ के अनुसार रिजल्ट कब आएगा। तो यहाँ पर जनसत्ता न्यूज़ के अनुसार देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड BSEB 10th रिजल्ट 2020 लेटेस्ट अपडेट, बिहार बोर्ड 10वीं क्लास रिजल्ट, ऐसा हुआ तो इसी महीने आएगा रिजल्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड 10th रिजल्ट 2020 डेट, BSEB 10th मैट्रिक रिजल्ट 2020 डेट। आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा की कॉपियों चेक करने का लगभग 75%, यानी मैट्रिक परीक्षा का जो कॉपी है वो 75% जो है कि काम पूरा कर लिया है, लेकिन भारत में लॉकडाउन घोषित होने के कारण सभी कॉपियों चेक करने का काम जो है कि बीच में ही रोक दिया गया है। यानी कि इस तक मैट्रिक कॉपी का जांच चला था और बाद में रोक दिया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं कि अपडेट जो किया गया है यानी 11 अप्रैल 6:31 पर, यह एक आपकी लेटेस्ट पोस्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के परिणाम जारी करने के बाद बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी में है। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा की कॉपियों चेक करने का लगभग 75% काम पूरा कर लिया है, लेकिन भारत में लॉकडाउन घोषित होने के कारण सभी कॉपियों चेक नहीं हो पाई है। भारत में नोवेल कोरोना वायरस COVID-19 के कारण 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन लागू है, जिसके खत्म होते ही मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और 10वीं की परीक्षा परिणाम BSEB की आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर जारी किए जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट जो है कब तक आ सकता है। तो मैट्रिक का रिजल्ट जो है अगर 14 अप्रैल के बाद कॉपी जहाँ शुरू हो जाती है तो 23 अप्रैल को मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग कन्फर्म हो जाइए कि 23 अप्रैल को मैट्रिक का रिजल्ट आ सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से रूबरू हो सके।